अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है और जबरदस्त जबरदस्त यहाँ पर खाने होते हैं मजेदार एंड थैंक्स फॉर ग्लैम गैस ये पूरा स्पेशली किचन जो है वो स्पॉन्सर्ड बाय ग्लैम गैस और हमारे साथ शेफ होती है कौन शेफ शाहिना सुमाइल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये कैप क्यों रेड पहना है आज क्या हो गया इतनी अच्छी लग रही है थैंक यू लेकिन ये क्यों चेंज आपका यूनिफॉर्म धुला नहीं होगा ना लेकिन वो भी अच्छा लगता है शाहिना चेंज होना चाहिए ना थोड़ा अच्छा ये भी जरा जरूरी है लेट्स सी अच्छा जी आज डिश का नाम जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल गुड मॉर्निंग विद सभी वीना शास्त्री जी भी और रेसिपी की तरफ हम चलते हैं रेसिपी का नाम है आज बीफ स्टेक विद पेपर सॉस और हम यहाँ पर बना रहे हैं बीफ स्टेक विद पेपर सॉल्ट सॉस सॉस ओके पेपर सॉस बना रहे हैं हम और ये ब्लैक बेसिकली ये ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चों की सॉस बनती है और इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देती है और साथ साथ मैं आपको एक बात बताती चलूं कि जब भी मैं आपको पता है अपने किचन में या गुड मॉर्निंग विद सभी के किचन में हम जब भी बीफ बनाते हैं तो हम साथ में सैलेड्स को वेजिटेबल्स को जरूर इन करते हैं तो आज मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी सैल्सा सैलेड और सैल्सा सैलेड बहुत झटपट बन जाती है कुछ भी इसमें नहीं करना पड़ता बस दो तीन इंग्रेडिएंट्स डालो और ये रेडी होती है ठीक है बहुत क्विक सी सैलेड है और खाने में बहुत इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ठीक है और अब मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं आपको पहले खीरा छोड़ूंगी तो कुछ बनाऊंगी अच्छा मुझे सलीम अफरीदी का ये शो पे वो याद आ गया क्या कहते हैं ये जी सैलेड मैंने बनाया करा ये अल्लाह की चीजें बनाई हुई अपना नाम लगा रही वो तुम्हारा अभी तक क्लिप में देखती हूँ हंसी कि सलीम भाई कह रहे हैं मैंने ऐसे सैलेड की प्लेट उठाई हुई तो उन्होंने कहा ये मैंने मतलब बनाया तो कहते हैं लो अल्लाह की बनाई हुई चीजें अपना नाम लगा देती है लेट्स सी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिश की तरफ चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ यस अच्छा इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास ये बीफ के आप देख सकते हैं इस तरह से फिलेट्स मौजूद है और ये हाफ इंच की इनकी हाफ इंच की थिकनेस है इनकी ठीक है ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम फिलेट्स हैं और चार से पांच ये मेरे पास फिलेट्स मौजूद हैं ठीक है और सैल्सा के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं सैल्सा में ये जाएगा कोकम्बर और जाएगा टोमेटो और जाएगी अनियन ठीक है और साथ में हम इसके अंदर गार्लिक को ऐड करेंगे गार्लिक मैंने आप देख सकते हैं ये मेरी सॉस में भी गार्लिक जाएगा मेरी मैरिनेशन में भी गार्लिक जाएगा और मेरे फ्लेस में भी गार्लिक जाएगा ठीक है तो अच्छा ये मेरे पास गार्लिक मैंने ज़्यादा इसलिए वन पूरा बंच जो होता है उसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है ये फ्रेश क्रीम है मेरे पास 2 टेबल स्पून इसमें ऐड होगी ऑलिव ऑयल मेरे पास मौजूद है डेमी ग्लेज मेरे पास मौजूद है डेमी ग्लेज के बारे में मैं बता दूँ आपको ये मैंने फ्रंट पे रख दिया डेमी ग्लेज एक तरीके का पाउडर होता है जैसे कि चिकन पाउडर होता है वो चिकन स्टॉक से बनता है तो डेमी ग्लेज जो होता है वो ब्राउन स्टॉक से बनता है यानी कि जो हड्डियों का जो स्टॉक होता है उससे बनता है तो अब हमारे पास ये इंस्टेंट आने लगे और डिफरेंट कंपनीज के आपको ये मॉल्स वगैरह में मिल जाएंगे इसका नाम है डेमी ग्लेज तो बहुत इजीली ये आपको इसका मिल जाता कोई फ्लेवर खास चिकन जैसे नहीं फिर? ये ब्राउन स्टॉक यानी कि बीफ बीफ जो बोन्स होती है ना अच्छा उनका फ्लेवर जैसे गाय की और भैंस की जो हड्डियां होती हैं उनसे ये स्टॉक जैसे हम घर में जैसे यखनी बनाते हैं ना ओके सेम 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 अच्छा, तो ये उसका पाउडर है ओके चंदा हम लोग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम अच्छा और बता दूं मैं आपको इंग्रेडिएंट्स मेरे पास ऑरेगानो है इसके अंदर सॉल्ट मेरे पास मौजूद है ब्लैक पेपर मेरे पास मौजूद है चाट मसाला साल्सा के लिए मैंने ये ऑप्शनल है आपको जरूरत लगती है आप डालें नहीं तो नहीं क्रश चिलीज मेरे पास थोड़ी सी मौजूद है ठीक है और मेरे पास रोजमेरी मौजूद है मैं थोड़ा सा निकाल के शो भी कर दूं रोजमेरी जी ये देख लें जी ओके ये देखें आप स्टिक्स टाइप का रोजमेरी होता है दिस यस ये रोजमेरी है और वॉस्टरशायर सॉस सोया सॉस मस्टर्ड पेस्ट और हॉट सॉस ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ठीक है ओके सबसे पहले हम बीफ की मैरिनेशन कर देते हैं और उसके बाद हम सॉस रेडी कर लेंगे जी सबसे पहले हमने ये बीफ के पीसेस दिखा दें इनको ये देखें जी यस अच्छा डिश का नाम साथ साथ एक रिपीट कर दीजिए डिश का नाम है बीफ स्टेक ओके बीफ स्टेक है जी अच्छा आप मुझे स्पून दे दें सभी ओके स्पून ये छोटी वाली दे दो जी छोटी वाली ठीक है अच्छा अब हम सबसे पहले इसमें गार्लिक ऐड करेंगे और लहसुन चॉप किया हुआ था जी 1 टीस्पून के तकरीबन मैंने इसमें गार्लिक ऐड किया है यहाँ मैंने ऑयल ऐड किया है ओके ठीक है तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड अभी और जरूरत होगी इसलिए अभी हमने सेव कर जी यस अच्छा साथ साथ मैंने यहाँ पर ऑरेगानो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा इसकी बड़ी प्यारी सर हूँ जी और मैंने यहाँ पे रोजमेरी जी पिज्जा का तो मेन इंग्रेडिएंट है ऑरेगानो और रोजमेरी मैंने डाल दी है ठीक है और ब्लैक पेपर मैंने यहाँ डाला है ओके और सॉल्ट मैंने यहाँ शामिल किया है जी
और थोड़ा सा मैं फ्लेवरिंग के लिए चाट मसाला डाल रही हूं, ऑप्शनल है ये, ठीक है जी। आपको जरूरत लगती है आप डालें, नहीं लगती तो आप नहीं डालें। अच्छा इसको मिक्स करना है जी, ये भी कुछ रहे सारी सॉसेस आप मुझे पास कर दें वन बाय वन। अच्छा ये मेरे पास सोया सॉस है, पहले रख लूं उसके बाद देन जी, एनीथिंग एल्स? थैंक यू जी, ये मुझे ज्यादा देती है ना मैं इनको, फिर इसीलिए हेल्पिंग हैंड बन जाती हूँ। अच्छा जी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स करना शुरू कर दिया, तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस को ऐड किया है। चेंज बनाया करें आप लोग ना, ताकि आप लोगों को मजा आए। ओके साथ साथ वॉस्टर शायर सॉस ये मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड करूंगी, ये थोड़ी सी कम ऐड होती है। ओके अच्छा आज बाहर का मौसम कैसा है शहजादी? बहुत गर्मी है, गर्मी है, समझ में नहीं आ रहा है, और अभी तक मौसम सेट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से तबीयतें सेट नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल मैं समझ रही हूं, और हमारे कैमरामैन को भी जो है ना फ्लू हो रहा है। हां वो बेचारे क्या करें यार। अच्छा मैंने हॉट सॉस इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड करी है, और साथ साथ मैं यहाँ मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूंगी, ठीक है? मस्टर्ड पेस्ट भी मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें। और प्लीज बाहर के खाने अभी बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा इस मौसम में, खास तौर पे सावन का मौसम इसे कहते हैं कि नहीं जी, बरसाती मौसम कहेंगे जो है ना। मेरी वालदा अल्लाह उनकी बख्शिश करे वो अक्सर कहती थी कि बेटा इन दिनों जो लोग बाय चना चाट और इस तरह चीजें खाते हैं, ये थोड़ी हवा आ गई इसमें अंदर भी थोड़ा सा ऐसा, तो फिर ज्यादा निकल जाता है ना, तो ये इससे निकाल लो ना स्पून से। हां स्पून से निकालते हैं थोड़ा, मेरी तरह देसी तरीका यूज करो यार, ये बैक साइड यूज करो, ये लो, ये वो छोटा पहुंच नहीं रहा होगा इसमें यूज करें जी, मैं देसी तरीका, क्या हो गया, तो लाइव शो है तो क्या हुआ। अच्छा ये मस्टर्ड पेस्ट हमने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के फ्लेवर हमें चाहिए होता है इन चीजों का जी। जी ये हो गया, बीफ के साथ जो है मस्टर्ड पेस्ट हम ज्यादा ऐड करते हैं बनिस्बत चिकन के, चिकन में हम कम करते हैं क्योंकि चिकन हर चीज कम लेती है। ओके असल में ये थोड़ा थिक होता है ना, तो ये नीचे बॉटल में इसमें बैठ जाता है। अच्छा साथ साथ मैं अपनी सॉस की मैरिनेशन कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है जी। और यहाँ बन रही है मेरी सॉस, और यहाँ मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है? ये ऑयल मैंने डाला है, और साथ साथ हम ये डैमे ग्लेस को थोड़े से पानी में सभी पास करिएगा, एक मुझे फोक पास कर दें। अच्छा और गार्लिक भी देते हैं। ओके थैंक यू, गार्लिक चाहिए जी। ओके डन हो गया जी। अच्छा जी वो जो स्पेशली, अच्छा मैं तो मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी प्यारी बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है, मैं आपका शो देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कहाँ से कॉल की नाई? शेखपुरा से। अरे बाप रे बाप, शेखपुरा कैसा मौसम है शेखपुरा का? हाँ जी बहुत गर्मी है। हाय हाय सेम टू यू, कराची में भी बहुत गर्मी है। अच्छा प्रोग्राम आप देख रही हैं? जी जी देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा मैं बहुत तैयारी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या चीज अच्छी लगती है, डिश कैसी लग रही है, और मेरी ये जो शेफ है ये आपको कैसी लग रही है, इसकी डिश कैसी? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं वो। हाँ वाकई में इनकी कुकिंग। अच्छा ये जो अभी बन, आपको क्या पसंद है बेसिकली? मुझे वैसे बिरयानी पसंद है। बहुत तेरी खैर, बिरयानी पसंद है तेनू, ते मेनू भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी आंदी, बोल ले मैं तेरे नाल। हां मैं कोई बात नहीं, क्या कह रही है? ओए ओए आपके कुछ बच्चे बच्चे भी रो रहे हैं, एंजॉय कर रही हैं जी। कोई बात, क्या नाम है इसका? जोहा नाम है, मैंने पिक्स भाई को भेज दिया, वो प्लीज बस टीवी पे दिखा दें। ओए ओए अच्छा एक दिन बच्चों का प्रोग्राम होगा ना, तो प्लीज आयुष इनकी जो है, हमारे डायरेक्टर है आयुष, उनको हम कहते हैं कि इनकी जो तस्वीर है वो सेव करके रख लें, तो फिर जिस दिन बच्चों का प्रोग्राम होगा, प्रॉमिस मेरी प्यारी बहन, नाइट में आपकी बच्ची की, क्या नाम है उसका, क्या नाम है बच्ची का नाम? जोहा और जैनब। जोहा एंड जैनब कितने कितने साल की है? एक 1.5 साल की और एक 4 साल की है। सो स्वीट, बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां और बहुत छोटी छोटी उम्र है, तो दोनों की पिक्चर हम शेयर करेंगे, आप परेशान ना हो, और थैंक्स फॉर कॉलिंग, लव यू, बहुत शुक्रिया जी 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 जी। हम जी, ये लहसुन और जी प्याज, ये मैंने बड़ी प्यारी सी खुशबू आई है, 1 टेबल स्पून प्याज और 1 टीस्पून मैंने लहसुन लिया था, उसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल में मैंने सौते किया है, ठीक है? सॉसेस में ऑयल कम जाता है इसलिए, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ सब। श्योर श्योर ये लीजिए। अच्छा जी ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करूंगी क्योंकि पेपर सॉस है, तो ब्लैक पेपर का मेन इंग्रेडिएंट है। सॉल्ट मैंने यहाँ डाला है, ओरेगानो मैंने डाला है, रोजमेरी मैंने यहाँ शामिल किया है। अच्छा डैमी ग्लेस जो मैंने यहाँ पर डिजोल्व करके रखा हुआ था, अच्छा तो ये डैमी ग्लेस मैं ऑयल छटपट का
माइनर डला है ना इसका मतलब, बहुत माइनर डला, ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा अब हम जो है वो साथ साथ जो है वो थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको हम कुक करेंगे। डेमी ग्लेज़ जैसे कि आप समझ लें, वॉच कर लें ताकि जल्दी हो जाए, और यस ओके। अच्छा ये जब तक हमारा कुक हो रहा है हम अपना सालसा रेडी करते हैं, ठीक है, और लास्ट में बस हम इसको ग्रिल कर देंगे। अच्छा आपने इसकी मैं मैरिनेशन बता दूं, मैरिनेशन हमने ये कर ली है और सभी ने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इतने अच्छे से कर लिया कि इसमें सारा फ्लेवर अब्सॉर्ब्ड हो गया होगा, ठीक है। तो ये अब्सॉर्ब्ड हो चुका है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि हम इसको करेंगे ग्रिल, आप ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं और आप नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं, और इसकी जो है ना 3 मिनट्स आप तकरीबन एक साइड और 3 मिनट्स एक साइड, उसके बाद आपने इसको कवर कर देना ताकि है। क्योंकि ये बीफ है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको कवर करना है 7 से 8 मिनट आपने इसको, यानी कि टोटल ये 15 मिनट्स में रेडी होगा। तो ये लास्ट में जब आप ब्रेक लेंगी तो मैं इसको ग्रिल कर दूंगी, इसलिए मैं बता रही थी। अगर हो सकता है तो लाइव कर लें फिर दोबारा। हाँ चलें ठीक है, इसको लाइव कर लीजिए जी, इसको लाइव कर लेते हैं। अच्छा अब हम अपना सालसा रेडी कर लेंगे। यस वो कर लो और जल्दी से हम इसको कंटिन्यू करेंगे चंदा, ठीक है, ठीक है चाइना, ठीक है, क्योंकि हमारा फिर जो क्लिप आपका चलता है ना वो फिर प्रॉपर चलता है, स्किप कर जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि लोग आपको बड़े उससे फिर जो है जो आपकी डिश जो है वो प्रेजेंट होती है ऑन यूट्यूब पर, हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी का पेज है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, तमाम वीडियोज उसके अंदर मौजूद हैं, और इस शो को आप रात को 12 बजे रिपीट में भी देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ आपकी स्किप हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको अपना गुड मॉर्निंग विद सभी का यूट्यूब और साथ साथ कोई एसएचडी पे जाएं आप देख सकते हैं। यस साथ साथ कोई चीज़ आपको पूछनी हुआ करे आप स्किप हो जाए तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल पीटी सेल नंबर मेंशन हो रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। यस ये सॉस अच्छा की थिकनेस आपने देख ली है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सॉस हमारी डन है, ठीक है। कोई और ये क्या करना है, मैंने मेरे पास ये गार्लिक था, ये गार्लिक मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड किया है, और साथ साथ मेरे पास ये अनियंस थी, अनियंस मैंने इसमें ऐड करी है, और मेरे पास ये टोमेटोज हैं, ये टोमेटोज मैंने इसमें ऐड किए, और एक मैं यही रखूंगी सॉस निकालने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कुकम्बर है, खीरा, टमाटर, लहसुन जी, ओके, और इसमें शामिल होगा सॉल्ट, ओके, हसब जायका नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, क्रश चिलीज, चिली कुटी हुई मिर्चें, और चाट मसाला, चाट मसाला, यस चाट मसाला इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। अच्छा थोड़ी सी क्रश चिली सॉस में भी ऐड करिए, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। अच्छा ये सॉस हमारी कुक है, ठीक, और इसमें एक काम बाकी है वो अभी मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। यस जी, बड़ी प्यारी सी इसकी जो है ना सॉस जो है वो खुशबू बड़ी प्यारी दे रही है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ ऐड कर लिया है। डेमी ग्लेज जो है वो ब्राउन स्टॉक होता है, और ब्राउन स्टॉक का फ्लेवर कितना अच्छा होता है बनस्पत चिकन स्टॉक के। अच्छा जी, अगे? अच्छा अब लास्ट हम इसमें जो है ना जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके, ठीक है, तो हम इसमें ये सिर्फ क्रीम ऐड करेंगे, ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छा आप हम सालसा रेडी कर रहे थे तो हमने सालसा को इस तरह से आपने मिक्स करना है, ये हमारा सालसा मिक्स हो गया, ठीक है, ओके डन हो गया जी। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे इसके साथ, इसे हम ये सालसा हमारा रेडी हो गया। बाद में सारे नेक्स्ट हमारे पास ये है। अच्छा साथ साथ जो है ना मैं ये सारा ऑयल इसमें शामिल कर रही हूं, ठीक है, और ग्रिल कर रहे हैं इसको प्लेस पे, तो हम इसको ग्रिल करेंगे। यस चलिए जी, इसको आप आगे ले जाएं, आप ये देख सकते हैं ये फ्लेयर मेरे पास मौजूद है, और मैंने आपको थिकनेस बता दी थी, आप इसको तकरीबन 4 से 8 आवर्स आपने इसको मैरिनेट करना है, जितना ज्यादा से इसके अंदर जो है वो जितना भी जी इसमें मटेरियल। अच्छा मैंने इसको हैमर से ना पहले ही इसको फ्लैट कर लिया था, तो आपने हैमर से फ्लैट कर लेना है, ठीक है। यस ये हो गया जबरदस्त। अच्छा इसे कहीं वो स्मोक लगाना पड़ेगा, कोई लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, स्मोक का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और इस वक्त हम जो है लाइव शो में शेफ शाइना शुमाइल, एंड डिश का नाम है बीफ स्टेक, बीफ स्टेक विद पेपर सॉस, विद पेपर सॉस, इसके साथ डिफरेंट सॉसेस बनती है, मशरूम सॉस भी बनती है इसके साथ, इसके साथ जो है ना, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन इसके साथ पेपर सॉस उठती है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्कर होता है और हमारी सॉस भी डार्कर होती है। कितनी देर, 15 मिनट to 20 मिनट चाहिए होंगे ना जी, तो हम इसको फिर प्रेजेंट, बस ये लास्ट हो गया ना, लास्ट हमने 15 मिनट इसके अंदर जस्ट ओनली क्रीम डलेगी, ठंडा हो जाएगा, अभी रुक जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
जैसे जब इसका धुआं निकलना कम हो जाएगा तो आप साथ में ऐड कर फिर इसको हम प्रेजेंट करेंगे लास्ट में, ठीक है शाइना जी? थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया, आप पक गए। हम लोग चलते हैं ब्रेक की तरफ जी, हम लोग यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।